Hi guys, today's our topic is that uh, end modification system and the ligases system, which are very very helpful for that uh, DNA manipulation. In this previous video lecture, we are talking about that uh, those enzymes which are helpful for that DNA manipulation. The first one is that uh, nucleases, and the second one is that uh, template dependent DNA polymerase. In this part 2, we are discussing about that. Uh, End modification system enzymes and ligases enzyme which manipulate the DNA. Okay, so let us start. You see that the term used for this enzyme name is that end modification system. End modification means that these enzymes which is modify the end side of that nucleic acid. ओके मीन्स दैट इट इज चेंजेस इट्स हैविंग द चेंजेस इन टू द एंड्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड यानी कि ये एंजाइम्स क्या करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के एंड्स पर चेंज लाएंगे फाइव प्राइम एंड भी हो सकता है या फिर थ्री प्राइम एंड भी हो सकता है दिस इज़ कॉल्ड दैट एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट एंड मॉडिफिकेशन सिस्टम इज दैट टी डी टी टी डी टी इज द टर्मिनल डी ऑक्सी द टेम्पलेट इंडिपेंडेंटेड इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज़। ओके तो ये हमें याद रखना है कि जो टर्मिनल डी ऑक्सी न्यूक्लियोटिडाइल ट्रांसफरेज जो है वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम है ओके okay? टेम्पलेट से इंडिपेंडेंट ये वर्क करता है विच इज़ एबल टू सिंथेसाइज द न्यू डी एन ए पॉली न्यूक्लियोटाइड विदाउट द बेस पैर ऑफ़ द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स टू एग्जिस्टिंग डी एन ए और आर एन यानी कि डी एन ए और आर एन ए में इतनी तो स्ट्रेंथ्स uh, के साथ सभी बेस पैर हाइड्रोजन uh, बॉन्ड से जुड़ गए हैं लेकिन उससे भी आगे अगर बढ़ना है उससे भी अगर आगे अगर कोई न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है तो उसके लिए कुछ टेम्पलेट तो चाहिएगा लेकिन वो फिर भी क्या कर सकता है टेम्पलेट बगैर न्यूक्लियोटाइड्स को एड्स कर सकता है किसकी बात कर रहे हैं हम टी डी टी की यानी कि टर्मिनल डी ऑक्सी न्यूक्लियोटिडाइल ट्रांसफरीज विच फॉर्म्स द कोहेसिव एंड्स एंड विच इज़ अ होमोपोलीमर टेलिंग ओके यहाँ पर क्या होगा होमोपोलीमर टेलिंग होगी यानी कि एक जैसे बेस पैर्स को ये ऐड करता है ओके मान लीजिए कि ये सी साइटोसिन 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 को ऐड करेगा या फिर थाइमिन 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 ऐसे होमोपोलीमर की चेन बनाएगा ओके लाइक दिस वन यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है डीएनए है ओके डी ने की एक स्ट्रैंड ली है हमने यहाँ पर फाइव प्राइम टू तो थ्री प्राइम थ्री प्राइम टू तो फाइव प्राइम ओके डबल स्ट्रेंडेड डी ने की कोडिंग सीक्वेंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी डी टी यानी कि टर्मिनल डी न्यूक्लियोटाइडाइल न्यूक्लियोटाडाइड ट्रांसफरेज जो है वो क्या कर रहा है डी साइटोसिन डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइडाइड साइटोसिन ट्रांसफरेज एंजाइम जो है यानी कि डी जो है ओके वो वन न्यूक्लियोटाइड है उसे क्या कर रहा है थ्री प्राइम एंड पर ज्वाइंट कर रहा है ओके थ्री प्राइम एंड पर ये क्या करेगा आप देख सकते हैं कि टी से ये कंप्लीट हो जा रही थी लेकिन अभी सी 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 यानी कि बहुत सारे साइटोसिन होमोपोलीमर चेन के अंदर ये टी डी टी एड कर रहा है ओके तो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ दैट एंड मॉडिफिकेशन सिस्टम

ग्रुप होगा फाइ प्राइम एंडिंग होगी वहां पर जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको रिमूव करने का वर्क कौन करता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड विच प्रिवेंट्स द लाइगेशन ओके मान लीजिए कि यहाँ पर भी एक फाइव प्राइम पर फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ पर भी फॉस्फेट ग्रुप है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं ओके तो ऐसा ना हो इसके लिए अल्कलाइन फॉस्फेटिज क्या करता है विच रिमूव्स द फॉस्फेट ग्रुप एट द एंड ऑफ द फाइव प्राइम एंड ऑफ द डी एन ए मॉलिक्यूल ऐसा देखा गया है कि बैक्टीरिया का जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू तो दैट ऑफ कोलाई ओके एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द काफ इंटस्टेनल टिश्यू बट इट इज लेज एक्टिव एक्टिव बहुत ही कम होता है स्टेबल होता है लेकिन एक्टिव नहीं होता है ओके okay? किसकी बात कर रहे हैं हम e. ईकोलाई की नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दैट द फंक्शन ऑफ द अल्कालाइन फॉस्फेटिस की जो क्या कर रहा है फाइव प्राइम एंड में से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर रहा है यू सी दैट दिस वन इज द डी एन यहाँ पर फाइव प्राइम एंड पर क्या है फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पर भी फॉस्फेट ग्रुप है तो इसको रिमूव कर रहा है अल्कलाइन फॉस्फेटिज और यहाँ पर ओ एच OH लाया देगा और यहाँ पर भी ओ एच ओके तो सिंपली हमें ये याद रखना है कि अल्कलाइन फॉस्फेटिज विच रिमूवस द फॉस्फेट ग्रुप एट द फाइव प्राइम एंड ऑफ द डी एन ए मॉलिक्यूल विच प्रिवेंट्स द लाइगेशन टू ईच अदर नाउ द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दैट एंड मॉडिफिकेशन सिस्टम ऑफ एंजाइम्स द टी फॉर पॉली न्यूक्लियोटाइड काइनेज टी फॉर पॉलिन्क्लियोटाइड काइनेज जो है विच इज ऑप्टेन फ्रॉम दैट इकोलाइसल्स विच इज इन्फेक्टेड विथ द टी फॉर फाज ओके ऐसा न्यूक्लियोटाइड या फिर ऐसा एंजाइम हमें एक्सट्रैक्ट करना है इकोलाइन में से कि जो टी फॉर फास्ट से इन्फेक्टेड हुआ है ओके विच परफॉर्म्स द रिवर्स रिएक्शन टू अल्कलाइन फॉस्फेटिस ओके अल्कलाइन फॉस्फेटिस से ये रिवर्स रिएक्शन करेगा यानी कि अल्कलाइन फॉस्फेटिस क्या कर रहा था फॉस्फेट ग्रुप को फाइव प्राइम एंड से रिमूव कर रहा था तो ये क्या करेगा फाइव प्राइम एंड ग्रुप पर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा मीन्स दैट दिस इज एडिंग द फॉस्फेट एट द फाइव प्राइम एंड ओके विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर दैट एंड लेबलिंग डी एन ए मॉलिक्यूल ओके अगर आपको डी एन ए का मॉलिक्यूल को लेबल करना है तो उसके लिए ये जो टी फॉर पॉलिक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यू कैन सी दैट दिस डी एन ए सिक्वेंस ओके यहाँ पर क्या होगा टी फॉर काइनेज जो है, वो क्या करेगा फॉस्फेट ग्रुप ग्रुप को प्राइम एंड पर ये क्या कर रहा है एड कर रहा है सिंपली ओके okay, तो इतना ही हमें याद रखना है ओके okay, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फाइव प्राइम एंड पर क्या हुआ है फॉस्फेट ग्रुप एड हुआ है उसकी दो रिएक्शन होती है एक होती है फॉरवर्ड रिएक्शन एंड और दूसरी होती है एक्सचेंज रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर क्या होता है सिंपली पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज जो है वो ए को ब्रेक करके ए डी पी प्लस पी आई बनाएगा और दूसरे फॉस्फेट ग्रुप को वो फाइव प्राइम एंड पर ऐड कर देगा दिस इज अ सिंपल फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंज रिएक्शन इन दिस एक्सचेंज रिएक्शन द फाइव प्राइम एंड ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल द रिमूव बाई द हेल्प ऑफ वन पोलिन्यूक्लियोटाइड काइनेस ए डी पी जो है उसके साथ ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा और क्या बनाया गया ए टी पी फाइव प्राइम ग्रुप में से ये फर्स्ट ऑफ ऑल फॉसफेट ग्रुप रिमूव हो जाता है ओके ओ एच फिर से आ जाता है और देन आफ्टर फिर से पोलिन्यूक्लियोटाइड काइनेज ए टी पी को ब्रेक करके फिर से ए डी पी प्लस पी आई बनाएगा और ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो फाइव प्राइम ग्रुप से एड हो जाएगा यानी कि पहले था उसे रिमूव किया फिर से ऐड करेगा तो दिस इज कॉल्ड दैट एक्सचेंज रिएक्शन इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पर्पस ऑफ़ दैट एक्सचेंज रिएक्शन बाय दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम Now we are talking about the ligases. This is the last enzyme for that uh, DNA manipulation. Ligases is a simple enzyme which is uh, synthesizing the phosphodiester bonds between the two nucleotides. Okay, and this uh, attaches two different polynucleotide sequences. Okay. DNA ligase is first of all very very important for that cloning experiment. Whenever we are fragmented two subunits, how can they join with each other by the help of DNA ligase? Okay, and this DNA ligase can be extracted from that E. coli and the bacteriophage. I hope you are clear about that. What are the enzymes for DNA manipulation?